ने एससीसी ने यह ऐलान किया पूरे देशवासियों को, न सिर्फ कांग्रेस वासियों को, देशवासियों को कि स्थापना दिवस के दिन भारत बचाओ संविधान बचाओ की बात जन जन को बचाने। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सभी कार्यकर्ताओं का कि आपने आज जयपुर शहर में इस पदयात्रा में फ्लैग मार्च में भाग लिया और जिस मुद्दे को लेकर आज हमने कांग्रेस का स्थापना दिवस जो बन रहा है वो इस मुद्दे को लेकर बन रहा है कि देश में जो चुनौतियां हैं उसका सामना करने के लिए कांग्रेस पार्टी के नेता कार्यकर्ता चाहे चौबंद रहे दुरुस्त रहे, आने वाला समय हम लोगों को दिखाना पड़ेगा कि हमारी जो मूल भावना है देश की आजादी से लेकर आज तक बहुत से उतार चढ़ाव आए, हार जीत हुई, सरकारें बनी और बिगड़ी, लेकिन हमने संविधान को अपने सिद्धांतों को हमेशा अपना केंद्र बिंदु मानकर काम किया है। आज साथियों प्रदेश में हमारी सरकार है और एक साल सरकार का पूरा हुआ, आप सबके सहयोग से हमने जो वादे किए थे जन घोषणा पत्र में उनको पूरा करने की ओर हम लोग कदम बढ़ा रहे हैं। आज दायित्व बनता है हम लोगों का और खासकर कांग्रेसियों का कि राजस्थान के 7 करोड़ लोगों की जो उम्मीदें हमसे हैं उस पर हम खरा उतरे। समय बहुत जल्दी निकलता है इसलिए जिस प्रकार की आप लोगों ने शानदार जीत कराई थी नगर निकाय के चुनावों में, जैसा कि आप जानते हैं कि पंचायत चुनाव भी घोषित कर दिए गए निर्वाचन आयोग ने, आचार संहिता लगी है प्रदेश के अंदर, मैं सभी कांग्रेसियों से स्थापना दिवस के मुबारक मौके पर आप लोगों को बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं और आह्वान करता हूं कि आने वाला जो चुनाव होगा ग्रामीण क्षेत्र के अंदर उसमें बढ़ चढ़ कर हम लोग कांग्रेस पार्टी को जिताए ताकि और मजबूत हमारी सरकार और संगठन बढ़ता रहे राजस्थान के अंदर। सोनिया गांधी जी ने जो बिगड़ उठाया है दिल्ली में और कांग्रेस पार्टी चाहे सत्ता में हो चाहे विपक्ष में हो, लेकिन हमने हमेशा किसान नौजवान की बात को प्राथमिकता दी है। आज वो समय आ गया है जहाँ जहाँ हम लोगों को शासन करने के लिए जनता ने आदेश दिया है, चाहे हमारा राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, पंजाब हो, जहाँ जहाँ हमारी सरकारें बनी है वहाँ हम सबका दायित्व बनता है और जिन लोगों को आपने आशीर्वाद दिया उनका ज्यादा दायित्व बनता है कि आम जन की और हमारे कार्यकर्ताओं की सारी उम्मीदों पर खरा उतरे, उस तरह पूरी मुस्तैदी से पूरी संजीदगी से हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन आज जो पूरे राष्ट्र में लगातार प्रहार हो रहा है, आक्रमण हो रहा है संविधान के ऊपर, लोगों के ऊपर, और कोई दल की बात नहीं, सत्ता विपक्ष की बात नहीं, हिंदू मुसलमान की बात नहीं, आसाम से लेकर केरल तक, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, जहां आप देखो वहां पर नौजवान आज आक्रोशित है। इन लोग सब लोगों को जरूरत है, खासकर जो लोग सत्ता में बैठे हैं दिल्ली में, कि संवाद स्थापित करें, लोगों की बात को सुने, बल प्रयोग से, डराने धमकाने से या संख्या बल के आधार पर नए नए कानून बनाने से देश में अमन चैन और विकास की बात नहीं कर सकते। आज हमें पूछना पड़ेगा कि प्याज 150 रुपए किलो बिक रहा है और केंद्र की सरकार उस पर कोई चर्चा करना नहीं चाहती है। एनआरसी सीएबी पूरे देश को भ्रमित कर ध्यान भटकाने की राजनीति हो रही है। आज स्थापना दिवस पर हमने आज जो प्रियम्बल की शपथ ली है, साथियों क्या जरूरत है, 70 साल के बाद आज नौजवान और हम सब लोग मिलकर बार बार संविधान की तरफ देख रहे हैं, एक दूसरे को शपथ पढ़वा रहे हैं, ये कभी पहले ऐसी स्थिति पैदा नहीं हुई। इस स्थिति को समझना पड़ेगा बहुत समझदारी से। जो लोग टकराव की राजनीति करते हैं, आक्रोश की राजनीति करते हैं, दमन की राजनीति करते हैं, उनको गांधीवादी तरीके से जवाब देना पड़ेगा, आम जन को अपने साथ करना पड़ेगा। इसके लिए मेरा पूरा विश्वास है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पिछले लंबे समय से हमेशा सच्चाई का साथ दिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के स्थापना दिवस पर जिस जोश से आपने आज भागीदारी दिखाई है, जैसा मैंने पहले कहा सालगिरह हर साल होती है आज के दिन, लेकिन आज का दिन विशेष है, इतनी बड़ी संख्या में आप सब लोग आए हो और एक मैसेज दिया, एक संकेत दिया पूरे प्रदेश और देश के अंदर कि 36 कौम के लोग, चारों धर्म के लोग हमेशा संविधान और राष्ट्रता में विश्वास रखेंगे और इस देश का ठेका किसी एक दल एक सोच के पास नहीं है, हम सब 130 करोड़ लोगों के पास है। आने वाला समय अच्छा होगा, हम सबको और मेहनत से जागरूकता से जन जन तक संदेश पहुंचाना पड़ेगा। मैं पुनः धन्यवाद करना चाहता हूं सभी लोगों का जिन्होंने स्थापना दिवस पर भागीदारी करी, आज झंडारोहण किया है, आप सबकी भागीदारी के साथ किया है, मुख्यमंत्री जी का, महासचिव महोदय का और अब सब लोगों का कि आप स्थापना दिवस पर यहाँ पधारे। एक बार पुनः अपनी तरफ से प्रदेश और देश के सभी कांग्रेसियों को कांग्रेस पार्टी के 134वें स्थापना दिवस पर आप लोगों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई। मैं एक बार जोरदार नारा दो, भारत माता की, अपना जन्मदिन आज कांग्रेस पार्टी का, भारत माता की, भारत माता की, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बहुत बहुत शुक्रिया, जय हिंद।